जिसके यहाँ 20 साल की पोस्टिंग जब से हुई है वो ऐसा काम करते हैं कि बच्चों के अंदर आक्रोश पैदा हो। प्रधानमंत्री जी, इस सेंटर को खुलवाने की कृपा करेंगे कि हम लोग गंगा के लिए काम कर रहे हैं, अन्य नदियों के लिए काम कर रहे हैं, जल संरक्षण काम कर रहे हैं। गंगा सेंटर जो बंद किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। जी, मेरा नाम सुधांशु सिंह है, मैं गंगा मित्र का छात्र हूँ और हमारी मांग ये है कि जो गंगा स्रोत केंद्र बंद हुआ है उसे दोबारा चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ 20 साल की पोस्टिंग जब से हुई है वो ऐसा काम करते हैं कि बच्चों के अंदर आक्रोश पैदा हो। बिना नोटिस के सेंटर कैसे बंद किया गया, बच्चों के भविष्य के साथ कैसे मजाक किया जाता है, कृपया कर इसे दोबारा खोलने का प्रयास किया जाए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पटेल है, गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर BHU से। जैसा कि हमारा जो गंगा सेंटर चल रहा है, आप देखे भी होंगे, बार बार आप लोग हम सपोर्ट भी करते हैं, महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र है हमारा, बगल में ये LDK गेट के सामने ही है हमारे। हम गंगा मित्र जो प्रयागराज से बलिया तक, बनारस में काम तो किए हैं लेकिन प्रयागराज से बलिया तक हम लोग काम कर रहे थे 700 गंगा मित्र, और हमारे साथ 30,000 जल संरक्षक जुड़े थे। यानी कि ये समझे कि हमारा नेटवर्क खत्म हो जा रहा है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है और जल पे काम हो रहा है, गंगा पे काम हो रहा है, और हमारे जो 30,000 जो जल संरक्षक जो जुड़े हैं, गाँव में जुड़े हैं, उनका नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा। समझे, जो एक गंगा एक आस्था जो हमारा पर माता हमारे गंगा मैया मानते हैं उनको हैं, बताएं उनका उनसे विश्वास उड़ जाएगा सबका। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा सेंटर जो है उसे सही तरीके जांच करके उसको जांच के कमेटी बनाएं, लेकिन हम लोग खुलवाना उसको है सेंटर को, क्योंकि महामना के नाम से चल रहा है जो, और हमारे 700 गंगा में जुड़े से हैं। तो कुलपति महोदय ये कह रहे हैं कि वहाँ कोई काम वाम की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं देखिए, जब ये है कि जब कोई आएंगे वहाँ देखेंगे तब ना कि ज़्यादा जरूरत पड़ नहीं रही है। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए ना हमारा, एक महीना के लीजिए, एक साल के लीजिए, पूरे 6-7 सालों का रिकॉर्ड हमारे पास है जो कि NMSG में भेजा गया है, उसको लीजिए, तो ग्राउंड लेवल जाके चेक तो करिए। ये तो होता है ना कि आप बैठ के तो ऑफिस में होगा कुछ नहीं, जब तक हम रिपोर्ट ग्राउंड पे लेवल पर नहीं आए करेंगे, हमारा चीज़ नहीं देखेंगे हमारा, अरे हमारे फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, ट्विटर देखिए, हर जगह मिलेंगे, #धर्मेंद्र धर्मेंद्र कुमार #गंगा अमित खोजिए ना, सब मिल जाएगा, लोग स्क्रॉल करते चल जाएंगे, खत्म नहीं होगा। नमामि गंगे जिस तरह से प्रोजेक्ट चल रहा था और अचानक जो है VC साहब की वजह से बंद कर दिया गया, तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रहे हैं क्या ये? नहीं, अवहेलना नहीं है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का देखिए संसदीय क्षेत्र है, मुझे विश्वास है कि अवहेलना कोई चीज़ नहीं है, अपनी बातों को रखने कोई अवहेलना नहीं है। लोग संसद भवन में कहाँ कह रहे हो अपनी बातें रखते हैं, हम तो अपनी माँ गंगा के लिए काम कर रहे हैं, गंगा सेवक हम लोग हैं, हम तो बात रख रहे हैं, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा कुछ नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से। बड़ा अच्छा लगा कि चीफ प्रोटा साहब हम लोग के ज्ञापन को लिए आगे BC महोदय तक पहुँचाने के लिए, लेकिन कोई अवहेलना नहीं। माननीय प्रधानमंत्री से मैं यही कहूँगा कि लगातार, क्योंकि आप माँ गंगा के लिए हमेशा जीते हैं और आगे बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री बने आप हैं, हम आप चाहेंगे कि आप ये सेंटर को, क्योंकि देखिए ये आप तक जा रहा है बात, BC साहब तो सुन ही रहे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी आप तक, क्योंकि हर किसी लोगों को यहाँ लेटर दे दिया गया, PMO कार्यालय लेटर दिया गया, हर लोगों को लेटर दिया गया, कोई सुनवाई नहीं, सभी कार्यकर्ताओं को सभी सुनवाई नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी इस सेंटर को खुलवाने की कृपा करेंगे कि हम लोग गंगा के लिए काम कर रहे हैं, अन्य नदियों के लिए काम कर रहे हैं, जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र पाल है, मैं गंगा मित्र हूँ, गंगा मित्र था। तो जिस प्रकार से ये गंगा सेंटर जो बंद किया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बिना नोटिस के, बिना जांच पड़ताल के ये गंगा सेंटर बंद करना बहुत गलत है, क्योंकि जिस प्रकार के आदरणीय हमारे वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, गंगा स्वच्छता की बात कर रहे हैं, नमामि गंगे के तहत हमारा जो गंगा शोध केंद्र महामना जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको बंद करने के लिए आखिर क्यों बंद किया जा रहा है, हमारे तमाम सवाल हैं। क्या गंगा स्वच्छ हो गई है, जो कि यहाँ महामना मालवीय जी महामना की बगिया में गंगा शोध केंद्र खोला गया, जिससे यहाँ पर ऐसे गंगा में तो तैयार हों जिससे गंगा के किनारे रह रहे लोगों को जागरूक कर सकें। हम लोग तमाम, हमारी ट्रेनिंग इसलिए हुई है कि हम गंगा के किनारे जितने भी लोग, उनको गंगा सफाई के बारे में बताएं, गंगा के मतलब जो कि गंगा में कचरा ना फैलाए, तमाम मतलब कि गंगा किस प्रकार से स्वच्छ अविरल निर्भर हो उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन अचानक हमको बिना मतलब बताए, हम ना तो हमारे गंगा मित्रों से ना हमारे जो प्रोफेसर लोग हैं उनसे बात किए, बिना गंगा सेंटर बंद कर किया जाता है, ये लोग सरासर गलत है। तो यहाँ तमाम अलग अलग चीज़ों पर शोध चलती है, रिसर्च चलती है, तो मानते हैं कहीं ना कहीं VC साहब का ये गलत फैसला? बिल्कुल गलत फैसला है, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि बनारस में तमाम जगह मतलब IIT में चले जाओ तमाम जगह सोच चलते हैं, इसी प्रकार से मतलब एक सपना था कि गंगा पर ऊपर काम हो, क्योंकि गंगा से हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, गंगा हमारी माँ है, तो महामना की बगिया में क्योंकि पूरे विश्व में फेमस है कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय सबसे लार्जेस्ट रेजिडेंसी यूनिवर्सिटी है, इसमें तमाम शोध होते हैं, तमाम साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, इस BHU ने दिए हैं, तो यहाँ पर गंगा शोध हो जिससे गंगा की सफाई को अच्छे तरीके से किया जाए, नमामि गंगे इसलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। मांग क्या है?
मांग है कि हमारा पुनः सेंटर मतलब खुले।